बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर है घर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है जूलॉजी का हम थर्ड पेपर लेके आए हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और एक न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, और एक हमने एक वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in, उस पर जाइए। और क्या करना है, वहां से अपने फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। paperhacker.in पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्री में, फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ फ्री, छोटे से लेकर बड़ा तक सब नोट्स फ्री आपको। ये है सबसे बड़ा खिलाड़ी, सही है ना, जो चैनल का नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, भाई होगा सबसे बड़ा खिलाड़ी। अब देख लेना, अब सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। paperhacker.in पर जाइए, वहां आपको मिलेंगे बीएबीएससी के सारे नोट्स। आपको हम देखो, आप अपना बनाना चाहते हैं, हमारे पीडीएफ को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको हमें पैसे देने होंगे, सीधी बात है यार, सीधी बात है। और आप कह दो कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं आपके नोट से, मुझे आपसे अपने पास नहीं चाहिए, उसको यूज नहीं करना सर, पढ़ना है मुझे, बस पढ़ना का मतलब है उसका, बस आपको फायदा उठाना है उसका। तो फायदा उठाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो फ्री में है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप उसको चाहते हो कि मैं किसी को नोट्स को लूं और कैफे पे जाकर करूं, इस्तेमाल करूं, कैफे पे निकलवाऊं, दोस्तों को शेयर करूं, तो यार ऐसा तो करोगे तभी जब आप पेमेंट करोगे, समझ रहे ना। तो पेमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए या फिर अपने उनको शेयर करिए, मुझे कोई दिक्कत ना है। अब यहां देखिए समझ रहे मेरी बात, चलो। अरे यार ये क्या चल रहा है, स्क्रीनशॉट का है ले रहा। हाँ ये देखो, पहला क्वेश्चन पर लगा दीजिए, जैविक समुदाय क्या होता है। जैविक समुदाय इकोसिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्पादकता की अवधारणा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी से बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ। यहाँ देखो, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इकोसिस्टम 100% पेपर में छप रहा है, मतलब कि पेपर में छप चुका है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना, वही पढ़ो, बाकी कुछ और मत देखो, आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। देखो यार, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, आप मुझ पर विश्वास करते हो नहीं, पहले तो ये बताओ, सभी लोग करते हो ना, सच में करते हो तो बढ़िया है। अब करते हो तो जो बता रहा हूं उतने अपनी बुक उठाओ, नोट्स उठाओ, गैस पेपर उठाओ, उस पर टिक लगा लो, समझ रहे हैं ना, उस पर टिक लगाओ, वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना यार, क्या पढ़ना है। अब तक हम पूरी इतनी मोटी किताब थी, कहते इतनी मोटी, कुछ भी कह सकते हो, इतनी मोटी जो भी है, अब उसको हमने इतनी मोटी को इतना छोटा कर दिया, जो गैस पेपर्स क्वेश्चन बैंक मार्केट से लेके आया इतना छोटा कर दिया, अब इतने छोटे से मैंने और इतना छोटा कर दिया, समझ रहे ना, कुल 15 क्वेश्चन यार, कमाल है, समझ रहे ना, आप गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, समझ रहे ना। तो ये चीज है कि 2022 में टॉपर बनना बेटा, 2022 में टॉपर बनना है। टॉपर बनने का राज आपको पता है क्या है, पेपर हैकर से जुड़ जाइए अभी। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है अनुक्रमण क्या होता है, अनुक्रमण कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है मनुक्रमण, एक होता है जलक्रमण। इन दोनों को अच्छी तरीके से याद करना, मनुक्रमक होता है, एक होता है जलक्रमक, ठीक है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि 2022 में ना ये छप गए पेपर में, बस आने की देरी है, समझ रहे ना, आपके सामने आने की देरी है, छप गए पेपर में, समझ लेना मेरी बात को। कोई फेल करने वाला आपको पैदा हो जाए ना आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कह देना कि सर तुमने जो बताया वो आया नहीं, बस ये बता देना मुझे कमेंट में यार। और जब आए ना तो क्या करना है, हंस के कमेंट करना है, दिल खोल के कमेंट करना है, जो भी दल में आए ना वो सब कुछ वहां बता देना है तुम्हें, ठीक है, उस कमेंट में भर भर के देना है। अब यहां देखिए, मानव में, यहां बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहा है मानव में वृद्धि बकरों की सहायता से जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कीजिए, मतलब जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है मानव की जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसकी आपको व्याख्या कर रही है। यहां देखिए, यहां कह रहा है मानव में विषाणु रोग, एनिमल प्लांट वायरस, पौधों में वायरस कौन सा होता है, विषाणु कैसे होता है, एनिमल में विषाणु कौन कौन से होते हैं, और सबसे ज्यादा जो होता है टीएमबी वायरस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है टीएमबी, समझ रहे ना, और आपसे बैक्टीरियल वायरस के बारे में संरचना आपसे पूछ लेता है। यहां देखिए, जीवाणु कोशिका की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन को रट लेना, जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में। यहां कह रहा है व्यवहार क्या है, यहां कह रहा है व्यवहार क्या है, ठीक है, और व्यवहार होता क्या है, व्यवहार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल ये क्वेश्चन बनता है, आप रट के जाना बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस दिल की बात है, दिल इधर है ना, इधर की बात है, हाँ इधर ना, इधर की बात है।
समझ रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है अधिगमन व्यवहार क्या होता है, इसको आप देखेंगे, और अनुचलन और गतिक्रम, इन दोनों को देखेंगे। अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद बेटा नीचे जाओ, ये बोल रहा है देखो, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको देखिए, बैक्टीरिया के अणु की संरचना के बारे में। बैक्टीरिया के जो अणु गुण होते हैं, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में। यहां माइक्रोबायोलॉजी की ह्यूमन जो वेलफेयर कह सकते हैं, उनके योगदान क्या रहा है, तो वेलफेयर का योगदान क्या, ह्यूमन वेलफेयर का योगदान क्या रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर का, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का ऐसा आ जाता है, लेकिन कोई खास नहीं है। आप हो सके तो पढ़ लेना, ना हो तो इसको छोड़ देना, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ोगे। प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, पोल्यूशन, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, और कौन सा प्रदूषण होता है, और कौन सा होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी देखोगे आप, ध्वनि प्रदूषण भी आप देखोगे, और कौन सा देखोगे, वायु, जल, ध्वनि, और एक और होता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, मिलेगा देखने को, एक लगवा दूंगा, ये प्रदूषण देख लो, ठीक है, इनका वितरण। ऊष्मीय, ऊष्मीय को ऊष्मीय प्रदूषण भी बोलते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण कौन सा होता है, ठीक है, एंटी, देखो कह रहा है एंटीडोट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया बताइए, एंटीडोट क्या होता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में देख लेना है। और ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डीडीटी मोस्ट इंपोर्टेंट, ओजोन क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, अरे ये तो रट लो, रट, पेपर में छप रहा है, छप, समझ रहे हैं ना, छपना होता है ना, छपना वो हो रहा है। हाँ, अब देखो इसको, ये देखो ये क्वेश्चन, यह कह रहा है खाल श्रृंखला, छप गया पेपर, बेटा छप गया ये वाला, जन्म दर मृत्यु दर आ गया पेपर में, सच्ची आ गया, इसको कोई नहीं रोक सकता, आ गया। या देखो ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इसको पढ़ेंगे, खाद जाल, अग्राम अभिरंजक, ये अभिरंजन, ग्राम अभिरंजन जो क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन बेटा वेरी शॉर्ट में फंसते हैं, शॉर्ट में फंसते हैं, लॉन्ग जब क्वेश्चन आता है तो उसमें तीन चार पेल देता है साला टीचर, समझ रहे हैं, एग्जामर जब कहता है कि भैया ले, एक लॉन्ग क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन दे देता है, लॉन्ग बना देता है उसको, समझ रहे, तो करने का तरीका होगा, मतलब टीचर क्या करता है यार, क्वेश्चन कोई बना के थोड़ी लाएगा विदेश से, क्वेश्चन तो वही होंगे जो सिलेबस में है, बाहर से थोड़ी दे देगा। तो ये चीज आपको देखने आए, समझने आए, यार यार समझदार हो तुम, बीएससी थर्ड ईयर में हो यार, छोटे मोटे बच्चों नहीं हो, हाई स्कूल वाले बच्चे, हाई स्कूल वाले तो इंटेलिजेंट हो गए तुमसे तो अच्छे, समझ रहे ना, अब तुम तो हाई स्कूल से निकल के बीएससी में आ गए, कुछ यार अपने आप में थोड़ा बदलाव ले आओ, पेपर हैकर से जुड़ो और कुछ नई चीजें सीखो। यहाँ कह रहा है ग्राम प्लस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ कह रहा है पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, जीवाणु भौजी के बारे में आप पढ़ेंगे, जीवाणु भौजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ देखिए जंतुओं में कह सकते हैं अंकुरजन, इसको आप देखेंगे, समझ रहे ना आप सभी लोग। चलो उसके बाद क्या देखना है, मधुमक्खी तो जानते होंगे आप, मधुमक्खी के बारे में जानते हो नहीं, मधुमक्खी की भाषा जिसको मधुमक्खी का नृत्य संचार भी बोलते हैं, नृत्य का मतलब होता है जो बोलती है ना वो आपस में भिन्न 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 बोलती है ना, तो वो चीज नृत्य बोलती है, नृत्य करती है, नृत्य संचार करती है, उसी को हम भाषा बोलते हैं, वो चीज आपको देखना है वो क्या होती है। यहाँ देखिए भूमंडलीय तापमान क्या होता है, अम्ल वर्षा इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपोषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पे लगा देना बेटा इन क्वेश्चन को, मतलब इनको शक करने की जरूरत नहीं है, मतलब शक और संदेह जो होता है उसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए फूड एडिटिव के बारे में, समुदाय क्या होता है, आप समुदाय जानते हो, समूह में जो रहते हैं, जिस तरीके समूह में रहते हैं लोग वो समुदाय कहलाता है, समझ रहे हैं ना, उस तरीके देखना है। ये आप देख रहे हैं अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का जलीय अनुकूलन भी बोलते हैं, इसको आप पढ़िए, परिजीविता क्या होती है, अब इसको पढ़ेंगे। और यहाँ कह रहा है देखो प्रवचन के प्रकार और महत्व और हानि के बारे में, और देखो सूक्ष्म जैविकता जैविकी कैसे कहते हैं, और ये है खुराक की परिभाषा, खुराक है डोज जो कहता है ना डोज, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए मैंने नोट कर लिए थे ताकि कोई दिक्कत ना आए, मैं समझ सकूं इनके बारे में। आप इस पर विज्ञान क्या होती है, इसको देखिए, यहां कह रहा है पीड़क जो कह रहा है ना, पीड़क नाशक क्या होती है, उसके प्रकार, ठीक है। अब यहां देखिए लास्ट में देखो, ये देखो ये दे रखा है पोलिया के बारे में, कुछ दे रखा है पोलिया क्या होती है, टिटनेस रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है, इसमें ही दे रखे हैं, ठीक है। और देखो प्रतिबंधित प्रतिवर्ध क्या होता है, रिफ्लेक्स से बोल सकते हैं, और ये है इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, टिटनेस वगैरह इधर कुष्ठ रोग, ये थोड़ी बीमारियाँ होती हैं, रोग होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछता है, तो ये पढ़ लेना यार, पढ़ने में क्या जाता है, एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिखा हो गया। सबसे बड़ी बात यही है ना,
पढ़ लोगे तो बना बना के लिखाओगे, बाकी नोट्स हमारा डाउनलोड कर लेना, नोट्स फ्री में हम आपको दे रहे हैं। यार सब कुछ फ्री में दे रहे हैं यार, हम आपके दोस्त हैं और दोस्त का मतलब जानते हो, दिल से दोस्ती निभाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी नए वीडियो मिलेंगे एक बेस्ट बॉडी कह सकते हैं, एक तरक्की वाली वीडियो के साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे टॉपर बन सकें। मेरा हिसाब ये है कि आप वो क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में आए, वो ना पढ़ो जो पेपर में नहीं आ रहा है। काहे पढ़ोगे यार वो चीज़, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बताओ, वो पढ़ो ना पेपर में जो आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। थैंक यू।